एक्चुअली भी पुटिंग अप मेकअप सही है, आई हैव नो आइडिया वाई एंड आई बी हैविंग आइसक्रीम सही है। जब भी मैं अपसेट होती हूँ मैं ज़्यादा वर्कआउट हो, आई कैंट इवन से, जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड में होती हूँ या कुछ भी होता है क्योंकि मेरे आजकल पेपर चल रहे हैं, जस्ट ईट आइसक्रीम। इट्स गुड। तो जैसा कि आपको पता है नॉट दैट गुड एट मेकअप सही, पहले मैं थोड़ी सी कंघी कर लूँ। वी बोथ नो वे नॉट गुड, आई एम नॉट गुड एट मेकअप सही है, बट मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल गया कैसे मेकअप लगाते हैं। तो प्राइमर पहले लगाते हैं सही है, कुछ गलत हो गया खैर है, ये मुझे आई वॉच द यूट्यूब वीडियो दुखी, आई एम विलिंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ एज दे से। ये लगा लिया प्राइमर, उसके बाद कंसीलर और फिर फाउंडेशन, फाउंडेशन फिर कंसीलर, फाउंडेशन फिर कंसीलर सही है। सो एनीवेज मैं अपने पेपर्स के बारे में बताती हूँ, मेरे 3 पेपर्स हैं, साथ साथ बताती जाती हूँ। 3 पेपर्स हैं जो कि अगर किसी मेकअप आर्टिस्ट को देख रहे हैं आपको हार्ट अटैक आए इससे पहले ही वीडियो बंद कर दो। अच्छा तो मैं बता रही थी कि मेरे 3 पेपर्स होंगे, एक हुए हैं अभी बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सही है, और मेरा बायो का ख़त्म हो गया, फिजिक्स का ख़त्म हो गया, अभी ईद उल अज़हा है और इसके बाद मेरा केमिस्ट्री का है 24 को, विच इज़ हेल। अगेन मेरी इतनी अच्छी तैयारी है लेकिन नहीं भी है क्योंकि आजकल पेपर मुश्किल आ रहे हैं सही। फिजिक्स का जैसा कि मैं पिछली वीडियोज़ में देखोगा, आई एम जस्ट रियली अपसेट कि फिजिक्स का किस तरीके से पेपर आया था, एंड या आई वॉज जस्ट रियली रियली अपसेट कि फिजिक्स का किस टाइप का आया था। लेकिन खैर मैंने कर तो लिया था, अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है सही है। तो ये मैं लगा रही हूँ, ये व्हाट डू यू कॉल दिस, व्हाट डू यू कॉल दिस, आई एम सॉरी, ब्यूटी ब्लेंडर पे वो लगा। मस्ट बी टॉर्चर फॉर यू गाइस हु आर मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन आई आई नो अब तक मैं सही जा रही हूँ सही है, आई नो मुझे इतना पता है सही है, यू कैंट प्रैंक मी, नेवर माइंड। अच्छा कंसीलर आ गया, उसके बाद फर्स्ट टाइम डूइंग प्रॉपर मेकअप, लास्ट टाइम मैंने किया था बीबी क्रीम के साथ। ओके सो आई एम जस्ट डूइंग इट बिहाइंड द एजेस एंड या वेरी गुड। हाँ बाकी आइसक्रीम के फायदे होता है, आइसक्रीम इज लाइक अ स्ट्रेस, पता नहीं कौन इस वक्त ऊंची ऊंची आवाज में बाहर चीख रहे, लाइक समझ नहीं आती लोगों की। एनीवेज मैं कह रही थी आइसक्रीम इज लाइक अ स्ट्रेस रिलीवर सही है, आइसक्रीम इज लाइक एवरीथिंग, आई लव आइसक्रीम सो मच, आई लव आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, आई वॉन्ट स्टॉप ओके, आई लव इट, आई लव इट टू मच। ये हो गया हमारा कंसीलर का काम। डैंग मरीम यू रियली डिड इट दिस टाइम, यू रियली डिड इट, दैट्स नाइस, यू सी यूट्यूब वीडियोस एक्चुअली हेल्प। आई लव आइसक्रीम। अब ब्रश की बारी है, ब्रश फेवरेट किट है। अच्छा मैंने बाल काटे हैं, देखो कैसे लग रहे हैं, पहले तो लेंथ ही से उड़े उड़े थोड़े से लगते थे, अब हर वीडियो में मेरे खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा हॉलीडे मेकअप किट है सही है, रोमांटिक बाय रोमांटिक कलर, तो या वी हैव 2 कलर्स विच इज पिंक एज वेल एज द रेड वन सही है, सो विल प्रोबेबली गो विद द रेड वन क्योंकि पिंक यू नो आई जस्ट डोंट लाइक द पिंक वन, तो यू कैन प्रोबेबली टेल। रेड में ये है दैट इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ नॉट हाफ बैड, आई मीन आपको अभी से यहाँ से पता चल रहा होगा रेड कलर का सही, अब फील हो रहा होगा। अला मेरी इकनी कितनी है, थोड़ा सा हाइलाइटर वो भी ऑब्वियसली वाइट वाला, ये हमारा हाइलाइटर हो गया सही है। आगे चलते हैं,
लिपस्टिक पे, फिर आई पे आएंगे, आई वाले पे आएंगे. सेम. आई कैन डू माई ओन मेकअप, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ओके वेर गोइंग गुड. ओके पिंक लिपस्टिक फील हो रही है. We did it. अब आईज का रहता है, आईज पे हम लगाएंगे पिंक. आई फील लाइक मेरी पिंक टाइप की शर्ट है तो पिंक ऑब्वियसली मेक सेंस. यू नो मेकअप इज नॉट दैट हार्ड. मुझे स्टार्टिंग में लगता था पता नहीं कितना मुश्किल है, अभी मैंने ट्राई किया और इतना मुश्किल नहीं है. स्टार्टिंग में आई बी थिंकिंग लाइक पहले ये लगाते हैं, पहले ये, उसके बाद ये. देर लाइक 10 डिफरेंट थिंग्स जो आपको लगानी पड़ती हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली दैट हार्ड. इट्स अ हलवा. अब समझे मेकअप आर्टिस्ट एंड यू कैन रियली एंजॉय इट बाई मेकिंग क्यूट थिंग्स ऑन द फेस. मैं कभी ट्राई करूंगी देन आई विल बी लाइक दोस कूल मेकअप आर्टिस्ट जो जिनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे सारी मेरी एक्सप्लोर पेज पे आए होते हैं. आई हैव नो आइडिया कैसे, बट एनीवेज ये मस्कारा, आई मस्कारा को छोड़ देती हूँ, इतनी जरूरत नहीं है. एनीवेज आज ईद है, ईद मुबारक, खैर मुबारक. पहले मेरी आइसक्रीम खाते हुए दांतों में दर्द नहीं होता था, लेकिन अब हद से ज्यादा दांतों में दर्द होता है. आई हैव नो आइडिया क्यों, लेकिन होता है. सो या एनीवेज मैं यहाँ पे अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ, बिकॉज़ आई फील रियली गुड राइट नाउ एंड आई जस्ट वांट टू वर्क एंड स्टडी. और टाइम भी हो गया मेरी वॉक का, यस आई गो टू डेली वॉक. और मैंने मेकअप भी रिमूव करना है क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान यू आर नॉट सपोज टू रियली हैव मेकअप. एनीवेज सो टिल नेक्स्ट वीडियो स्लैश व्लॉग स्लैश व्हाटएवर आई पोस्ट, गुड बाय.